अध्याय 18 उपसंहार संन्यास की सिद्धि। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहु, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ, और हे केशनिषूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्याग में जीवन का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं, और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। हे भरत श्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। हे नरशार्दूल, शास्त्रों में त्याग 3 तरह का बताया गया है। यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निस्संदेह यज्ञ, दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे प्रथापुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए, यही मेरा अंतिम मत है। निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है। जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है, उसके लिए कहा जाता है कि उसने यह त्याग रजोगुण में किया है। ऐसा करने से कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता। हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करणीय मानकर करता है और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है। सतोगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी जो न तो अशुभ कर्म से घृणा करता है न शुभ कर्म से लिप्त होता है, वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता। निस्संदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना संभव है, लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है वह वास्तव में त्यागी कहलाता है। जो त्यागी नहीं है उसके लिए इच्छित, अनिच्छित तथा मिश्रित ये 3 प्रकार के कर्म फल मृत्यु के बाद मिलते हैं, लेकिन जो सन्यासी है उन्हें ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्म की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं। अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। कर्म का स्थान शरीर, कर्ता विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण हैं। मनुष्य अपने शरीर, मन या वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है वह इन 5 कारणों के फल स्वरूप होता है। अतएव जो इन 5 कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देख सकता। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, वह इस संसार में मनुष्यों को मारता हुआ भी नहीं मारता, न ही वह अपने कर्मों से बंधा होता है। ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता ये 3 कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण हैं। इंद्रियां, कर्म तथा कर्ता ये 3 कर्म के संघटक हैं। प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के 3-3 भेद हैं। अब तुम मुझसे इन्हें सुनो। जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है उसे ही तुम सात्विक जानो। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है उसे तुम राजसी जानो। और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है तामसी कहा जाता है। जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति, राग या द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है वह सात्विक कहलाता है। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्य अहंकार के भाव से किया जाता है वह रजोगुणी कहा जाता है। जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है वह तामसी कहलाता है। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है
और सफलता अथवा सफलता में अविचलित रहता है वह सात्विक कर्ता कहलाता है। जो कर्ता कर्म तथा कर्म फल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है तथा जो लोभी सदैव ईर्ष्यालु अपवित्र और सुख दुख से विचलित होने वाला है वह राजसी कहा जाता है। जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता रहता है, जो भौतिकवादी हठी कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पटु है तथा जो आलसी सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घ सूत्री है वह तमोगुणी कहलाता है। हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा धृति के विषय में विस्तार से बताऊंगा, तुम इसे सुनो। हे प्रथापुत्र, वह बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करणीय है और क्या नहीं है, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। हे प्रथापुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म करणीय तथा करणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती वह राजसी है। जो बुद्धि मोह तथा अहंकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, हे पार्थ, वह तामसी है। हे प्रथापुत्र, जो अटूट है जिसे योगाभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है और जो इस प्रकार मन प्राण तथा इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में रखती है वह धृति सात्विक है। लेकिन हे अर्जुन, जिस धृति से मनुष्य धर्म अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है वह राजसी है। हे पार्थ, जो धृति स्वप्न भय शोक विषाद तथा मोह के परे नहीं जाती ऐसी दुर्बुद्धिपूर्ण धृति तामसी है। हे भरत श्रेष्ठ, अब मुझसे तीन प्रकार के सुखों के विषय में सुनो जिनके द्वारा बद्ध जीव भोग करता है और जिसके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत हो जाता है। जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है वह सात्विक सुख कहलाता है। जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और जो प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विष तुल्य लगता है वह रजोगुणी कहलाता है। तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोहकारक है और जो निद्रा आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है वह तामसी कहलाता है। इस लोक में स्वर्ग लोकों में या देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के तीन गुणों से मुक्त हो। हे परंतप, ब्राह्मणों क्षत्रियों वैश्यों तथा शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। शांति प्रियता आत्मसंयम तपस्या पवित्रता सहिष्णुता सत्यनिष्ठा ज्ञान विज्ञान तथा धार्मिकता ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। वीरता शक्ति संकल्प दक्षता युद्ध में धैर्य उदारता तथा नेतृत्व ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। कृषि करना गोरक्षा तथा व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म हैं और शूद्रों का कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा करना है। अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। अब तुम मुझसे सुनो कि यह किस प्रकार किया जा सकता है। जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। अपने वृत्ति पर कार्य को करना चाहे वह कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। प्रत्येक उद्योग किसी न किसी दोष से आवृत होता है, जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत रहती है। अतएव हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को भले ही वह दोषपूर्ण क्यों न हो कभी त्यागे नहीं। जो आत्म संयमी तथा अनासक्त है एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। हे कुंती पुत्र, जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्धावस्था अर्थात ब्रह्म को सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है प्राप्त करता है,
उसका मैं संक्षेप में तुमसे वर्णन करूंगा, उसे तुम जानो। अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों का त्याग कर राग तथा द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, जो थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर मन तथा वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है तथा पूर्णतया विरक्त मिथ्या अहंकार मिथ्या शक्ति मिथ्या गर्व काम क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित तथा शांत है, वह निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत पर ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह न तो कभी शोक करता है न किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा विनाशी धाम को प्राप्त होता है। सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतया सचेत रहो। यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकारवश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। यदि तुम मेरे निर्देशानुसार कर्म नहीं करते और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते हो तो तुम कुमार्ग पर जाओगे। तुम्हें अपने स्वभाववश युद्ध में लगना होगा। इस समय तुम मोहवश मेरे निर्देशानुसार कर्म करने से मना कर रहे हो, लेकिन हे कुंती पुत्र, तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वही सब करोगे। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं। हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ। उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया। इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहो सो करो। क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतः मैं तुम्हें अपना परम आदेश जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है बता रहा हूँ। इसे अपने हित के लिए सुनो। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। यह गुह्य ज्ञान उनको कभी भी ना बताया जाए जो न तो संयमी है, न एकनिष्ठ, न भक्ति में रत है, न ही उसे जो मुझसे द्वेष करता है। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। और मैं घोषित करता हूँ कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है, और जो श्रद्धा समेत तथा द्वेष रहित होकर इसे सुनता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोकों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्य आत्माएं निवास करती हैं। हे प्रथापुत्र, हे धनंजय, क्या तुमने इसे एकाग्रचित्त होकर सुना और क्या अब तुम्हारा ज्ञान तथा मोह दूर हो गया है? अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेश अनुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ
तो प्रतिक्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूँ। हे राजन, भगवान कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते ही मैं अधिकाधिक आश्चर्यचकित होता हूँ और पुनः पुनः हर्षित होता हूँ। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।